राजकुमार वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं भी और ना ही परेशान भी। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ देखना है कि हम पे पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। सॉरी देवल है। और फिर से एक बार मैं रियाज इंडियन साहब को मंच पर आने की गुजारिश करता हूँ। और अभी ये जो पेश करने वाले आपके सामने, यूजुअली हम बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को देखते हैं कि कलाकारों की आवाज निकालते वक्त उन्हें थोड़ा 30 सेकंड का या 15 सेकंड का टाइम लेना पड़ता है, लेकिन रियाज इंडियन एक ऐसे कलाकार है जो नॉन स्टॉप, मैं जिस कलाकार का नाम लूंगा उस कलाकार की आवाज वो नॉन स्टॉप आपके सामने पेश करेंगे। लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्म स्टार्स की आवाजें इनके गले में बसती है और मैं चाहता हूं आप सभी का प्यार भरा आशीर्वाद इनको मिलना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मिस्टर रियाज इंडियन, मैं आपसे यही कहूंगा कि महकना हो तो ऐसे महकों के बाहरों को होश आ जाए, और तालियां ही बजानी है तो ऐसी जोरदार तालियां बजाओ ताकि हमारे रियाज इंडियन साहब को और भी जोश आ जाए। तो आपकी जोश भरी तालियों के साथ इस आइटम की शुरुआत करते हैं। हेलो शेख, बिल्कुल सर शुरू करें। हेलो साथ रियाज जी, आप तैयार हैं क्या? बिल्कुल सो बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और बिल्कुल ये प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है बशीर भाई, सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। हम खुश नसीब है कि यहाँ पर आज हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मुझे आज इस वक्त अभी ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट 70-75% 80% हो चुका है, लेकिन मुझे वेलकम फिल्म का वो अनिल कपूर साहब का डायलॉग यहाँ पर कहने का मन चाह रहा है कि अभी तो यह शुरुआत है, अभी मांग में सिंदूर भरना बाकी है। फिल्म स्टार्स की आवाजों के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन रियाज इंडियन नाना पाटेकर। आगे आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरा भाई नीचे उतारेगा, आप लोग चाचा करके घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, लेकिन ध्यान में रखना। राजकुमार वीर सिंह, हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुई और ना ही परेशान भी। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली हमारी होगी और वो बंदूक भी हमारी होगी। आज तो हमें सिर्फ देखना है कि हम पे पहली गोली कौन चलाता है। और हाँ, रही बात सांप और बिच्छू की, तो ये हमें काटते नहीं बल्कि बाजू से रेंग जाते हैं। सॉरी देवल। अरे बाप जी, अरे मैं जानता हूँ बाप जी, आप चाहे तो इस शहर के हर नौजवान को राष्ट्रपति बना सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को भी अपना सही मकसद मिल गया तो आपकी इज्जत बजा देंगे। गुड बाय। अमरीश पुरी। अरे कमीने सारे बेशरम, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। ओम प्रकाश। जब से मैंने शादी की है सबकी मुंह नहीं देखा, हमेशा भगवंती चिल्लाती रही, मैं उसके आगे खामोश रहा। धर्मेंद्र। मकसूम, क्या वजह हो सकती है? तुम बोलते हो करो डपक, मैं जान बचाने के लिए अपने पास पड़ी बंदूक नहीं उठा सका, आज के बाद मैं तुम्हारा सामने आने की वजह नहीं जाना नहीं चाहूंगा, जा रहा हूं मैं यहां से। गुलशन ग्रोवर। बैटमैन, मैं जवानी के झटके और अमृत फटके तो मारूंगा तीन फटके, एक उठके एक बैठ के लेट के। कश्मीर से भूल रहे हो साहब, राजा भी बच्चा है, नादान परिंदे को दाना तो दिखता है लेकिन फैलाया हुआ जाल नहीं दिखता। शक्ति कपूर। आओ, अरे ललिता जब तुम मना शादी की है आओ आओ। जॉनी लीवर। बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं पहले लड़का उसका नाम राजी खाता है काजू और बैठा उसका बाजू। सुनील शेट्टी। बाबू भाई इसके बातों बैठे यार,
राजा चोर पर चोर चोर बोलता है प्रेम चोपड़ा प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, मैं डरते नहीं निकल लेता हूँ। संजीव कुमार तुम ये जानना नहीं चाहोगे कहीं बंदूक पाने क्यों नहीं पाई, यह बहुत लंबी कहानी। सदाशिव अमरापुर का अरे नाग हूँ मैं, नाग है कला नाग, सामने सगा बाप भी आए तो उसे भी डस लू आए तो फिर तू क्या चीज है। अजय देवगन तू आ गया है बापू, तू आ गया है बापू, देख बापू इस शहर वाले ने तेरे कड़े का क्या हाल किया बापू, आओ चलो बाहर निकलो, देखो मेरा बापू आ गया है। सैफ अली खान क्या तूने मुझे फंसाया, अरे बचाया नहीं फंसाया है। परेश रावल चलो पागल हो गया या बकला गया, चलो मैं तो समझाता विकृत हो गया लेकिन ये तो कुछ भी नहीं लेगा, भारत माता इसे कुछ नहीं आता। चल हसरानी क्या कहा, हमारे जेल में सुरंग, हमारे रेत में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शाहरुख खान अरे सोरा तेरे को कितनी बार बुला रहे सोलो, ए जंगल कहो भाजू के रहते ना, ये अपन अब तो चीनी कदर इसमें कदर का कह रहे तो कला। कादर खान अजू ये तो मुझे भी मालूम है कि मेरा नाम कादर खान है, तो तुम बताने की जरूरत क्या है, अरे वो समझ में मैं होशियार चंद हूँ इसलिए मुझे होशियारी आती है। जीवन मैं जानता हूँ बहना, मैं तुम्हारा भाई एक नंबर का कमीना हूँ लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ बहना। कन्हैया लाल अरे बेटू अरे बेटा बेटा खेल लेते माँ के कंगन बेटा, अरे मुझे माफ कर दे बिरजू। अजीत बेटी दुनिया का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो हमने तुम्हें नहीं सिखाया, फिर ये अनहोने कैसी बेटी। अशोक कुमार अरे मुझे क्या मालूम कि आपको पान पर के शौकीन हो, ये लीजिए पान पर। अमिताभ बच्चन नमस्कार दुनिया, मैं अमिताभ बच्चन और आप हमारे सामने खेल रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। दिलीप कुमार कुमार की बात करते हुए इसकी ये मजाक क्यों, हमें तस्वीर पे तलवार चले ना, एक उंगली उठा लू मेरे अंधारी अक्षय कुमार भैया इस आदमी की बातों में नहीं है ना, क्योंकि आदमी झूठ पे झूठ बोलता है और कुछ आता नहीं से। देव आनंद क्या बात है क्या बात है, इतनी खूबसूरत महफिल में आकर मेरा दिल भी बाग बाग हो गया, क्या बात है। अमोल पालेकर अरे सर वो तो मैं भी जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते जो आप समझ रहे सर, मैं बोली वो तो मेरा भाई राम प्रसाद है। शत्रुघ्न सिन्हा ऐसे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम्हारे बचपन का दौर, मैं कहता हूं मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा। शशि कपूर क्या कर दो भैया, मैं कहता हूं आप इस पेपर साइन कर दो कि नहीं। राजेश खन्ना अरे रत्ना अरे तू कहा करती थी ना कि तुझे कोई औलाद नहीं है, अभी औलाद है तो जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तुझे कभी औलाद ना है। मुकेश खन्ना अरे समझाओ इसे समझाओ, तुम्हारे लाड प्यार ने इसे और भी बिगाड़ दिया है कुंती से समझाओ। अनिल कपूर अरे तुम्हें क्या लगता है अब हम तुम्हारे प्यार के खातिर तो लोग चल कर आए बोला था चकार। इरफान खान अरे क्या भैया अरे पहचान दो ना हमको, नहीं पहचान दो वोड़ा फोन में 1 2 3 डाल कर समझे सब समझ रहे हैं। संजय दत्त अरे माँ ये जो मेरे हाथ में ना इसे घोड़ा कहते हैं ये जब चलता है ना तो आदमी उठ जाता है, आई बात समझ में। ओम पुरी जय राधा माधव, हाँ ज्योति चाहता है कि उस सर की पगड़ी बने लेकिन ज्योति के औकात है कि उसे पैरों तले रौंदा जाए और पगड़ी का हक है उसे सर पे ताज बना कर रखा जाए। रंजीत ठाकुर साहब अगर क्या बात है तालियां नहीं आ रही है, थोड़ी तालियां आ जाओ तो मजा आ जाए, क्या बात है। मिथुन चक्रवर्ती मैं स्कूल में शराब की बोतल लाता था, तूने हमारे बस्तक के अंदर शराब की बोतलें देखी थी लेकिन तूने हमारी मजबूरी नहीं देखी, हाँ फिर मैं कहाँ जाता, इसलिए अपन भी ना दूसरे स्कूल चला गया बस सोने क्या। जितेंद्र देख बिहारी मैं जानता हूं तेरी दुश्मनी मेरे बाप के साथ है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तेरा दोस्त था तेरा दोस्त हूँ। नसीरुद्दीन शाह ओ क्या है कि
कोई मेरे को बोला कि जंगल में एक परिंदा आया है, लोगों को परेशान कर रहा है, गला दबाएंगे तो पकड़ाएंगे। ये प्रियन कुमार लौटिया बटान में जिंदगी में दो ही बात ऐसे की है, मना के मौत है, एक ही अंकल है काम बसंती। मैं रोजाना मस्जिद की सीढ़ियां बाग में चढ़ता हूँ, उससे पहले ही कोई ना कोई सहारा देने आ जाता। एहसान कुरैशी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये झाड़ के तेरे बाप का है, कभी भी चढ़ जाता है। रियाज इंडियन बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग, थैंक यू सो मच मेरे जी जान मेरी ओर, बहुत खूब रियाज भाई, एक यूनिक आर्ट लेकिन काबिल तारीफ है, क्या बात है। आइए सभी म्यूजिशियन से गुजारिश करता हूँ, अभी आखिरी सेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिन सभी